कौन प्रवक्ता लोग भारत जी आते थे सत्ता तो थी राम मंदिर की डिबेट में नहीं आ रहे हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मंदिर मंदिर भी जा रहे हैं क्योंकि अभी उन्होंने माता सीता के हरण का उल्लेख किया और पूरे देश को पता है कि सीता हरण जब रावण ने किया था तो क्या किया था, राक्षस के वेश में नहीं आया था, साधु का चोला ओढ़ के आया था। इसलिए देश की जनता बहुत समझदार है और जब उस रावण ने कहा था माता सीता से कि एक बार मेरी तरफ देखो तो रामचरित मानस में लिखा है कि सीता जी ने जवाब दिया था सुन रावण खत द्यो तो प्रकाशा कबहू की नलिनी करे विकासा। इसका अर्थ हुआ अरे मूर्ख रावण कभी तूने देखा है कि ढेर सारे जुगनुओं के प्रकाश में कमल खिलता हो, वो सिर्फ भगवान राम के मुख रूपी सूर्य को देखकर कमल खिलता है। कह दे रहा हूं डाला ना ठंडे मुस्लिम। आज मुस्लिम पक्ष में एक बहुत बड़ा तबका है जो राम मंदिर के पक्ष में है, विरोध में कभी था ही नहीं, विरोध में कभी नहीं, बिल्कुल सही बात है। आई स्ट्रॉन्गली ऑब्जेक्ट, अगर राजनीति आई स्ट्रॉन्गली ऑब्जेक्ट, विरोध में कोई था ही नहीं, दे देता नानक जी विरोध में कभी कोई था ही नहीं, राम मंदिर बनना चाहिए यही तो प्रॉब्लम हुई थी। मैं भी कह देता हूं देखिए आज देखिए आज सभी लोग चाहते हैं वहां मंदिर बने, जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। इसलिए नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे।